यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इज इक्वल टू बी इज -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन पुट करेंगे वैल्यू। ओके, वैल्यू ऑफ ए इज 2, बी इज -2। ओके, सो क्वेश्चन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह जो भी दिया होगा वैल्यू हमने वही रख देनी है। ठीक है, ए की जगह, बी की जगह। ठीक है, तो ए के प्लेस पर हम लिखेंगे 2, कुछ नहीं करना हमने, बस वैल्यू पुट करनी है। बी की जगह क्या कर रखना है, -2। ओके, इतना हो गया। अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 4। ओके, अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस टू है, तो -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -2, माइनस प्लस 2 to the 4, तो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, है ना। जब माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, अब 4 × 4 क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 8, देन आंसर इज 8। ओके, आंसर इज 8। तो वी कंटिन्यू विद सेकंड पार्ट। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पुट द वैल्यू of a is 2 and b is -2. okay, a square plus a b plus b square, a ke place par hum kya likh denge, 2 square plus a ke place par kya likh denge, 2, b ke place par kya likh denge, -2। हेयर वी यूज़ द ब्रैकेट, हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि ए बी है, ऐसे मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में ऑलवेज ब्रैकेट यूज़ की जाती है। ओके, ये आपको टिप्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ साथ साथ। तो बी की जगह पर क्या है, -2 स्क्वायर। तो ब्रैकेट हर जगह यूज़ की जाती है, यहाँ पर स्पेशली, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो पता चल जाए। ठीक है, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 to the 4। ठीक है, प्लस के 2 है, माइनस के 2, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 2 to the 4, एंड प्लस माइनस माइनस, अब ये 2 to the 4 कैसे, 2 to the 4 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही आएगा इधर भी। और प्लस के यहाँ पर कुछ नहीं होता तो प्लस माना जाता है, +4 + 4 = 8, -4, 8 में से 4 गए 4, आंसर इज 4। ओके, हाँ जी, थर्ड पार्ट है हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 2, बी इज -2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है।
ए की वैल्यू 2 स्क्वेयर माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 स्क्वेयर, 2 to the 4, अब माइनस माइनस प्लस और 2 to the 4 है ना। तो ये तो प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस ही आएगा, 4 माइनस 4 आंसर इज 0। देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर था, ए की जगह हमने 2 पुट किया, बी की जगह -2 पुट किया, 2 to the 4, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ प्लस भी मेंशन कर लिया करो, ठीक है छोटा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्लस माइनस है इसलिए माइनस आया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये -2 मल्टीप्लाई -2 किया ना, तो 2 to the 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4 आ गया, अब ये माइनस है तो +4 माइनस प्लस माइनस एंड 4 का 4, 4 माइनस 4, 0। ओके, फिर भी एनी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।